हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो भाई, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही डिलीशियस, बच्चों का फेवरेट चीज़ी पास्ता, जो कि मैं बनाऊंगी वाइट ग्रेवी में। और देखने में भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और बहुत ही इजी है, बहुत ही जल्दी बन के तैयार होता है। तो चलिए फिर बनाना शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है पास्ता, और मैंने ये दो तरीके का पास्ता लिया है, आप किसी भी डिज़ाइन का ले सकते हो। मेरे पास ये दो तरह का था तो मैंने मिक्स करके ले लिया है। यहाँ पे मैंने एक पतीले में रख दिया है पानी थोड़ा सा, और उसमें डाल दिया है नमक और थोड़ा सा ऑयल। और इस पानी को मुझे करना है बॉईल, तो इसमें एक अच्छा सा बॉईल आ जाए। तो नमक को मिक्स कर लेंगे इसमें, और अब इसको बॉईल आने देंगे। तो काफ़ी अच्छा सा एक बॉईल आ गया है, और इसी स्टेज पे मैं इसमें डाल दूंगी अपना पास्ता। और पास्ता को हमें इसमें बॉईल करना है 80%, तो सिर्फ 80% ही करें, उससे ज़्यादा ना करें, नहीं तो ये काफ़ी स्टिकी हो जाएगा। तो बीच बीच में इसको आप चेक करते रहें इस तरह से। तो अभी इसमें थोड़ी सी कसर है, थोड़ा कच्चा है ये, अभी थोड़ा सा और पकाऊंगी। और देखिए इस तरह से ये हाथ के बीच में इस तरह से उंगली से कटना चाहिए, तो इट मीन्स कि ये अब ठीक है, अच्छे से पक चुका है, और 80-85% पक चुका है। तो इसी स्टेज पे मैं इसको अब ड्रेन आउट कर लूँगी, इसमें से पानी निकाल लेंगे सारा। और आप चाहो तो इसको ठंडे पानी से वॉश भी कर सकते हो, इससे क्या होगा, इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा और ये स्टिकी नहीं होगा। दूसरी तरफ मैंने ले लिया है एक पैन में ऑयल, इसको गरम कर लेंगे। और इसमें मैं थोड़े से डालूंगी सब्जियां, तो मैंने यहाँ ली है एक प्याज और आधी शिमला मिर्च, इसको मैंने डाइस में काट लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़े मोटे टुकड़े रखे हैं। और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, क्रंच रहना चाहिए इसमें। और एक टमाटर ले लिया है डाइस में, इसके मैंने बीज निकाल दिए थे, तो इनको हल्का सा सौते करना है, और इनको अब मैं निकाल लूँगी। तो अब इसी पैन में सेम ऑयल में मैं डाल दूँगी बारीक कटा हुआ लहसुन, काफ़ी सारा गार्लिक लिया है मैंने, बहुत अच्छा टेस्ट आता है पास्ता में इसका। और इसको अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा सा ये पिंक हो गया है, तो अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच मैदा। और इस मैदा को हमें बहुत अच्छे से भूनना है, इसका कच्चापन निकालना है मैदे का, काफ़ी अच्छे से इसको हमें इसमें भूनना है। अगर आपको ऑयल कम लगे तो आप डाल सकते हो, इसकी जगह आप बटर भी डाल सकते हो। और देखिए हमारा मैदा काफ़ी अच्छे से भून गया है, तो अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा थोड़ा करके दूध, तो क्योंकि हमें इसकी एक ग्रेवी बनानी है। और जैसे जैसे आप दूध डालते जाओगे तो इसका जो मैदा है ये फूलता जाएगा, ये गाढ़ा होता जाएगा, और एक बहुत ही अच्छी सी हमें ग्रेवी तैयार करनी है। इसके सारे लम्स हमें ख़त्म करने हैं, तो इस तरह से आप चमचे की हेल्प से इसको चलाते रहें और इसके सारे लम्स ख़त्म कर लें, और बहुत ही क्रीमी सी ग्रेवी तैयार करनी है। इसमें मैंने डाल दी है काली मिर्च पिसी हुई, और थोड़ा सा नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें, क्योंकि हमने पास्ता में भी जब बॉईल किया था तब भी नमक डाला था, तो एक बार थोड़ा ध्यान से करें। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जब तक इस ग्रेवी में बॉईल नहीं आ जाता तब तक हमें इसे पकाना है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे बबल्स आने लगे हैं, तो ये ग्रेवी हमारी पक चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे अपने बॉईल किए हुए पास्ता, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पे चाहो तो चिली फ्लेक्स का भी यूज़ कर सकते हो, और सब्जियाँ कोई आपके पास अगर कॉर्न वगैरह है या कोई भी सब्ज़ी आप डालना चाहो इसमें, वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। और ऊपर से मैंने इसमें डाला है ढेर सारा चीज़, तो ये मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है, आप चाहे तो प्रोसेस चीज़ भी ले सकते हैं।
इससे बहुत ही क्रीमी ग्रेवी बनती है हमारी। और जो हमने सब्जियां भुनी थी अपनी, वो इसमें ऐड कर देंगे और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रीमी हमारा चीज़ी सॉस, वाइट सॉस पास्ता बन के तैयार हो गया है। और देखिए कितना क्रीमी है, अच्छे से सब कोट हो गया है पूरा पास्ता क्रीम के अंदर। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब सर्व कर लेते हैं। और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है। और इस तरीके से आप इसको बना के देखें, बहुत ही टेस्टी लगेगी और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। और ऊपर से मैं इसको सर्व करूँगी थोड़े से और चीज़ के साथ में। तो देखिए लग रहा है ना, देखने में लाजवाब आ रहा है ना मुँह में पानी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बच्चे भी खुश हो जाएंगे इसको खा के। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगले किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।